नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर ज्योति और आपका इस YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चिकोरिनम इंटिबस करके एक होम्योपैथिक मेडिसिन है। इस मेडिसिन का मदर टिंचर फॉर्म में कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ये मदर टिंचर कैसे बनाया जाता है, किस पौधे से मदर टिंचर बनाया जाता है, इसका डोज क्या हो सकता है, आप ये मेडिसिन जो है ये कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बारे में डिटेल में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आपने मेरे इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी कीजिए ताकि मैं जब भी नए वीडियोस अपलोड करूंगी तो सबसे पहले आपको उस वीडियोस के नोटिफिकेशन आते रहेंगे और इससे आप मेरा एक भी वीडियो मिस नहीं कर पाएंगे। और आपको अगर मुझसे डिटेल में ऑनलाइन कंसल्टेशन करना है तो मैंने जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है उस पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और ऑनलाइन कंसल्टेशन जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये जो चिकोरिनम इंटिबस, ये जो होम्योपैथिक मेडिसिन है, ये जो होम्योपैथिक मदर टिंचर है, तो ये चिकोरी नाम का एक प्लांट होता है जिसे हिंदी में कंसी भी कहा जाता है। तो उस कंसी प्लांट से ये मेडिसिन जो है ये बनाया जाता है। तो ये जो प्लांट है ये बारहमही प्लांट है, यानी कि बारह ही महीने ये प्लांट दिखाई देता है। और ये जो प्लांट है इसके फ्लावर का जो कलर होता है वो नीले रंग का रहता है, नीले रंग का पुष्प इस फ्लावर पे लगता है। तो उस फ्लावर से ये मेडिसिन जो है ये मदर टिंचर जो है ये बनाया जाता है। ये जो प्लांट है, ये पौधा है, ये जड़ी बूटी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। आपके हेल्थ के जो भी इश्यूज होते हैं तो उसको सॉल्व करने का काम ये मदर टिंचर जो है, ये जड़ी बूटी जो है ये करती है। तो ये जो चिकोरी नाम का प्लांट है, तो इसके जो जड़ होते हैं तो इस जड़ से कॉफी बनाते हैं। यूरोप में आमतौर पर ये जो जड़ है ये कॉफी के जैसे इस्तेमाल किया जाता है, कॉफी बनाकर इस जड़ से पी जाती है। ये जो जड़ होते हैं तो इसमें कैफीन नहीं रहता है, जैसे कि हमने देखा कि कॉफी में कैफीन रहता है, लेकिन ये जो जड़ से जो कॉफी बनाई जाती है तो इसमें कैफीन नहीं होता है। लेकिन इसका स्वाद जो है वो चॉकलेट की तरह होता है, इसलिए ये कॉफी जैसे इस्तेमाल किया जाता है ज्यादातर यूरोप में। ये जो प्लांट है ये भारत में, ये जो चिकोरी नाम का प्लांट है ये भारत में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और कश्मीर में पाया जाता है। तो ये जो प्लांट है तो इसके जो फ्लावर होते हैं तो उससे ये मेडिसिन बनाया जाता है। तो ये आपको अगर भूख कम लगती है, यानी कि आपका एपेटाइट कम है, आपके पेट में कुछ परेशानी है, कब्ज है, आपके दिल की जो धड़कन है वो तेज है, तो ऐसे अगर सिचुएशन होते हैं तो उस वक्त ये जो प्लांट है तो इस प्लांट से बनाई हुई जो मेडिसिन है वो इस्तेमाल की जाती है। तो ये जो प्लांट है, कासनी जिसे कहा जाता है, चिकोरी जिसे कहा जाता है, तो ये जो प्लांट है इससे जो मदर टिंचर बनाया है, तो ये मदर टिंचर जो है यूनाइटेड स्टेट के जो फार्माको पिया है तो उसमें ये जो मेडिसिन है ये मौजूद है। तो ये जो मेडिसिन है ये किस तरह के परेशानियों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसके बारे में डिटेल में अब हम बात करेंगे। तो ये जो चिकोरी नाम से बनाया गया जो प्लांट है जिसे हम चिकोरिनम इंटिबस कहते हैं, तो उससे बनाया गया ये मेडिसिन जो है ये आपको स्टमक डिसऑर्डर में, यानी कि आपके पेट के रिलेटेड जो भी आपको परेशानियां होती है तो उस वक्त मेडिसिन जो है ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेडिसिन ज्यादातर लैक्सेटिव तौर पर आप इस्तेमाल करते हैं, लैक्सेटिव तौर पर यानी कि आपके जो इंटेस्टाइन होते हैं, आपके जो आंतों होते हैं, तो उसकी जो मूवमेंट है वो स्लगिश है, कम है, तो उस मूवमेंट को, उस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को बढ़ाने का काम ये मेडिसिन करती है। अगर आपके पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ जाते हैं तो आपका मल जो है वो इजीली आप पास कर सकते हो, लेकिन अगर मूवमेंट स्लगिश है तो उसके वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन और कब्ज की तकलीफ होती है। तो ऐसी परेशानियों को ठीक करने का काम ये मेडिसिन करता है। साथ ही में आपका डाइजेशन है जो है, डाइजेस्टिव प्रोसेस जो है वो बहुत ज्यादा स्लो है, आपके बोवल मूवमेंट, जैसे कि हमने बात की पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो होते हैं, आंतों की जो हलचल है वो बहुत स्लो है, बहुत स्लगिश है, तो उसके वजह से आपको कब्ज की परेशानी होती है, तो उसको ट्रीट करने का काम ये मेडिसिन जो है चिकोरिनम इंटिबस ये काम करता है। इसके साथ ये मेडिसिन क्या करता है कि आपको सर दर्द जो है वो बहुत ज्यादा सीवियर है तो उसको कम करने का काम करता है। इसके साथ आपको गॉल स्टोन, यानी कि आपकी जो पित्त की जो थैली होती है तो उसमें अगर स्टोन बन जाते हैं तो उसको ठीक करने का काम ये मेडिसिन करता है। साथ ही में आपको रोमेटिज्म होता है, यानी कि आपके एक्सट्रीमिटीज में, आपके हाथ पैरों में दर्द रहता है तो उसको ठीक करने का काम करता है। इसके साथ आपके ब्लड को प्यूरिफाई करने का, यानी कि आपके ब्लड में जो टॉक्सिन होते हैं, पर्टिकुलरली आपके ब्लड में जो शुगर लेवल जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ती है, तो उसको कम करने का काम ये मेडिसिन करती है। तो ये जो मेडिसिन है चिकोरिनम इंटिबस, इसके क्या क्या की बेनिफिट्स हो सकते हैं इसके बारे में डिटेल में अब हम बात करते हैं। तो पहले हमने जैसे कहा कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम होती है आपके शरीर की, जो चयापचय जो सिस्टम है आपके शरीर की, तो उसको मजबूत बनाने का काम ये मेडिसिन करता है। आपके गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिसीज जो होते हैं, जैसे कि गैस्ट्राइटिस है या फिर गैस्ट्रो एंडराइटिस है या फिर आपकी
भूख जो है वो कम हो गई है, तो ऐसे डिसऑर्डर को ठीक करने का काम ये मेडिसिन या मदर टिंचर जो है ये करता है। किसी महिला में अगर प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम दिखाई देता है, यानी कि मेंसेस आने से पहले उसको पेट में बहुत ज्यादा दर्द होता है, हाथ पैरों में बहुत ज्यादा दर्द होता है, उसके मूड स्विंग्स हो जाते हैं, कोलिक पेन बहुत ज्यादा होता है, या फिर उसको सिर दर्द जो है बहुत ज्यादा रहता है, बदन दर्द करता है, ऐसे सिम्टम्स उसको दिखाई देते हैं पीरियड्स के पहले, तो उस कंडीशन में भी ये मेडिसिन जो है ये मदद करता है। तो ऐसे सिम्टम्स क्यों होते हैं कि हार्मोनल डिसबैलेंस होने की वजह से ऐसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं, तो ऐसे कंडीशन को ठीक करने का काम ये मेडिसिन करता है। इसके साथ अगर आपको स्किन इन्फेक्शन हो जाता है या फिर आपके बॉडी पर स्वेलिंग दिखाई देती है तो उसको भी कम करने का काम ये मेडिसिन करता है। और आपके शरीर में गाउट यानी कि यूरिक एसिड की मात्रा जो है बढ़ जाती है, उसके वजह से आपको गाउट या फिर रोमेटिज्म यानी कि संधिवात की तकलीफें जो है वो बढ़ जाती है, तो उसको कम करने का काम ये मेडिसिन करती है। इसके साथ अगर आपको फंगल इन्फेक्शन है स्पेशली कैंडिडा, तो उसको ठीक करने का काम करता है। और आपको इंटेस्टिनल पैरासाइट्स यानी कि इंटेस्टाइन में वर्म्स होते हैं तो उसको निकालने का काम ये मेडिसिन करता है, और आपको वर्म इन्फेस्टेशन से बचाता है। इसके साथ आपकी भूख कम हो जाती है तो उसको बढ़ाने का काम करता है, और आपके ब्लड में जो शुगर लेवल है, शर्करा जो आपके खून में बढ़ी हुई है, तो उसको ठीक करने का काम भी ये मेडिसिन जो है ये करती है। तो ये जो मेडिसिन है, ये जो मदर टिंचर है, इसके बारे में हमने डिटेल में बात की, ये क्या क्या फायदा दे सकता है आपके शरीर में। अब हम बात करेंगे कि इसका डोज क्या हो सकता है। तो ये मदर टिंचर लिक्विड फॉर्म में आता है, आपको किसी भी होम्योपैथिक फार्मेसी में या फिर ऑनलाइन भी आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं, इसका पिक्चर भी मैंने वीडियो में लगाया है। तो ये जो मेडिसिन है, इसके 2 या 3 ड्रॉप आपको 1/4 कप पानी में डालकर दिन में 3 बार लेने हैं, सुबह, दोपहर और शाम। ये मेडिसिन आप लगातार इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जो भी कंप्लेंट्स होती है तो वो कम हो जाती है। आपकी जो गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स होती है उसमें ज्यादातर बहुत ज्यादा परेशानियां होती है, तो उसको सुधारने का काम ये मेडिसिन करती है। तो ये जो मेडिसिन है, इसका डोज कैसे लेना है, इसके बारे में हमने बात की। ये मेडिसिन जो है आपको खाना खाने के 1/2 घंटे बाद लेना है, यानी कि आपके मील में, आपके खाने में और आपके मेडिसिन में आपको 1/2 घंटे का गैप जो है वो मेंटेन करना है। ये मेडिसिन आप लगातार इस्तेमाल कीजिए, आपकी जो भी परेशानियां है वो कम हो जाएगी। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कीजिए, ताकि मैं जब भी नए वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले आपको उस वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहेंगे, और इससे आप मेरा एक भी वीडियो मिस नहीं कर पाएंगे। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।